जीएसटी के फायदे। जीएसटी लागू हुए 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और 2020-2021 के लिए जीएसटी भुगतान की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। साथ में बाजार में मौजूद छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए कंपोजिशन योजना से जुड़ने के लिए आवेदन भरे जाने लगे हैं। जो पंजीकृत करदाता थे उन्हें 31 मार्च 2020 से पहले आवेदन करना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ऐसा ना हो सका, क्योंकि 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग पंजीकरण से वंचित रह गया। ज्यादा समय तक लॉकडाउन की स्थिति होने के साथ व्यापार पूरी तरह ठप रहा, न ही कोई नए उत्पाद का निर्माण हुआ, न ही पुराने उत्पादों को बेचा जा सका, जिससे लेनदारी पूरी तरह स्थगित हो गई। वही व्यापार न होने और निरंतर लेनदारी और कर न जमा होने से सरकार को भी काफी हानि हुई है। वही जीडीपी भी गिर गई है। फिर भी सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए बहुत सी रियायत दी। कर अदायगी की तारीख निरंतर बढ़ते जा रही, पेनल्टी में छूट दी और वापस से व्यापार को पटरी में लाने के लिए कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवा रही है। अब क्योंकि कोरोना काल के 6 महीने बीत चुके हैं और स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो छोटे व्यवसायियों के लिए विशेष रूप से जारी की गई कंपोजिशन योजना के लिए करदाताओं के लिए आवेदन आना शुरू हो गए हैं। जीएसटी के संशोधन के अनुसार इसमें छोटे व्यापारी को रिटर्न फाइल करने, हिसाब किताब रखने और कर अदायगी के लिए विशेष छूट दी गई। इस योजना में केवल सालाना 1.5 करोड़ वाले व्यापारी ही आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के 7 राज्य के व्यापारियों के लिए 75 लाख रुपए हैं और जो व्यापारी माल के साथ सेवाएं भी दे रहे हैं उसके लिए सीमा 50 लाख है। जीएसटी के अनुसार अब तक कंपोजिशन योजना में 16,82,000 से ज्यादा व्यापारी जुड़ चुके हैं। कंपोजिशन योजना से जुड़ने के बाद व्यापारी को बिक्री पर विभिन्न दरों से जीएसटी जमा नहीं करनी पड़ती, वो केवल बेचे गए कुल माल की बिक्री पर निश्चित राशि को जमा करना होगा। ये प्रक्रिया त्रैमासिक है, व्यापारी को केवल 3 महीने में एक बार अदा करना होगा। कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत होने वाले करदाता को जीएसटी पोर्टल के फॉर्म CMP2 के तहत सूचना देनी होगी। व्यापारी जो कि पहली बार जीएसटी पंजीकरण ले रहे हैं, वो फॉर्म CMP1 के तहत रजिस्ट्रेशन के समय ही इसकी सूचना देकर जुड़ सकते हैं। संशोधन, छोटे व्यापारी जिनका सालाना व्यापार 20 लाख रुपए और उत्तर पूर्वी राज्यों का 10 लाख था, उसे बढ़ाकर 40 लाख और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 20 लाख कर दिया गया है। इससे छोटे व्यापारी जो 20 लाख के जीएसटी के अंतर्गत आने वाले थे, उन्हें भी छूट मिल गई है। साथ ही इन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से मुक्ति मिल गई है। ये नई कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल 2019 से लागू हुई। कंपोजिशन योजना को काफी सरल बनाया गया है। इसके तहत कारोबारियों को साल में केवल एक बार ही रिटर्न फाइल करना होगा, जबकि कर तिमाही आधार पर भरना होगा। पहले इस योजना में साल में एक बार जगह तिमाही रिटर्न भरना होता था। वहीं सेवा प्रदान करने वाले कंपोजिशन योजना 50 लाख है, जिस पर 6% के हिसाब से टैक्स लगेगा। कंपोजिशन योजना में कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी। रेवेन्यू से रेट कट पर संशोधन। जीएसटी लागू होने के बाद जिस प्रकार से कर भुगतान में पारदर्शिता आई है और सरकार का राजस्व बढ़ा है, उसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि आने वाले समय में अगर भुगतान दर इस प्रकार बढ़ती रही तो वो टैक्स के दायरे में और कटौती कर सकती है, मतलब कि जीएसटी की कर दरें घटा सकती है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस साल ये हो पाना मुश्किल है और इसके लिए व्यापारी को एक लंबे समय तक इंतजार करना होगा। कंपोजिशन योजना का लाभ केवल वही व्यापारी ले सकते हैं जो केवल एक राज्य में कारोबार करता है। अगर कोई व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में माल एवं सेवाएं प्रदान करता है तो वो इस योजना से नहीं जुड़ सकता। जीएसटी के फर्जी बिल की पहचान कैसे करें? व्यापारी जीएसटी के नाम पर जो बिल बनाकर दे रहे हैं उनमें ज्यादातर फर्जी हैं, क्योंकि बहुत से छोटे बिजनेस जीएसटी के दायरे में नहीं आते। वहीं बिल पर जीएसटीएन नंबर की जगह पुराने टिन नंबर लिखकर बिल बना रहे, इससे सावधान रहे। एक पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता है? हाँ, पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर आवश्यक है। क्या जीएसटी पंजीकरण के लिए खाता संख्या अनिवार्य है? हाँ, जीएसटी पंजीकरण के लिए खाता संख्या अनिवार्य है। क्या रिचार्ज कूपन शॉप के लिए जीएसटी पंजीकरण आवश्यक है? ये पूरी तरह से वार्षिक आय पर निर्भर करता है। अगर जीएसटी के संशोधन के अंतर्गत व्यापारी की वार्षिक टर्न ओवर आता है तब जीएसटी पंजीकरण आवश्यक है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।